मोदी जी के आने से हमारे अंदर एक चेतना तो जागृत हुई है पूरे भारत में कि हम कुछ हैं, हम अपने पांव अब जम के रख सकते हैं। पूरी दुनिया ने भारत को मानना शुरू कर दिया है, ये स्ट्रांग लीडरशिप की वजह से हुआ है। पूरी दुनिया ने भारत की संस्कृति और भारत के इतिहास को समझना और मानना शुरू कर दिया है, तो ये बहुत अच्छे संकेत हैं। अब इसे बनाए रखना हम लोगों के हाथ में। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसी भी देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं चाहेगा, झगड़े, झंझट, रोइत, ये सारी जो चीजें हैं ये कोई भी प्रधानमंत्री नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये समय आर्थिक उन्नति का है। हम अगर इसमें जा उलझे तो जो पहचान मोदी जी के माध्यम से या एक स्ट्रांग गवर्नमेंट के माध्यम से हमें मिली है वह पुनः खोनी शुरू हो जाएगी। तो पहचान जो प्राप्त हुई है तो योगक्षेमम व्याहम्यम के सूत्र पर हमें चलना चाहिए, जो श्री कृष्ण कहते हैं कि अप्राप्य की प्राप्ति और जो प्राप्त हो गया वो बनाए रखें। तो उसके लिए हमें प्रयत्न करने की बहुत आवश्यकता है। सौहार्दपूर्ण वातावरण हो और तेजी से आर्थिक उन्नति हो, क्योंकि अर्थ है तो हथियार है, अर्थ है तो सुरक्षा है, अर्थ है तो पारिवारिक सुरक्षा भी है और अर्थ है तो व्यक्तिगत सुरक्षा भी है।